दोस्तों आज का ये वीडियो अनभक्तों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज फादर्स डे है। फादर्स डे पे बच्चे अपने बाप को तोहफा देते हैं, लेकिन एक बाप आया है जिसका नाम है विनय दुबे, जो मुंबई से है। वो खुद अपने बच्चों को यानी कि अंधभक्तों को तोहफा देने के लिए आया है। मैं उनका तोहफा आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या तोहफा दिया है अपने बच्चों को। आप भी देखेंगे तो बहुत हैरान होंगे। चलिए आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। विनय दुबे मुंबई से, कैसे हो अंधभक्तों? आज तो फादर्स डे है यार, और आप लोग बाप को भूल गए। सोशल मीडिया पे मुझे एक खिताब मिला हुआ है, अंधभक्तों का बाप विनय दुबे। तो कम से कम बच्चों का तो फर्ज निभाओ यार। तुम्हारा क्या, तुम तो साले रोज बाप बदलने वाले हो। जो भी मुसलमान की तरफ मुंह उठा के भौंक दिया, चाहे सड़क पर एकदम खुजली लगा हुआ कुत्ता जो गटर में रह रहा हो, अगर वो किसी मुसलमान की तरफ मुंह उठा के भौंक दिया, तो तुम भोसड़ी वाले उसको कंधे पे बिठाओगे, सीधा महानगर पालिका ले जाओगे और कहोगे कि आज से मेरा बाप यही है। घर पे ले जाके अपनी माँ को मिलाओगे कि मम्मी देखो मेरा नया बाप आया है। तुम्हारी औकात यही रहती है कि हर घंटे तुम बाप बदलने वाले। आज फादर्स डे विश नहीं करोगे क्या? कब तक मोदी योगी के सहलाते रहोगे, उनको बाप बनाकर घुमाते रहोगे? आज कम से कम असली जो बाप है, माँ है, उनके पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना और एक ही चीज का निवेदन करना कि हे माता पिता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विनय दुबे जैसे अंधभक्तों के बाप से दूर रह सकूं, उनकी छाया भी मुझ पे ना पड़े। तो दोस्तों, विनय दुबे का अंधभक्तों के लिए ये जो तोहफा था, आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जो अंधभक्तों के लिए तोहफा पेश किया है विनय दुबे ने, क्योंकि अंधभक्त आजकल बहुत खामोश रहने लगे, अंधभक्त कुछ नहीं बोल रहे, अंधभक्तों का पापा माना जाता है विनय दुबे को, जो मुंबई से आते हैं। मुंबई से ये लगातार अंधभक्तों को ट्रॉल करते रहते हैं, जिसके वजह से अंधभक्त काफी परेशान होते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो अंधभक्तों के बारे में? अंधभक्तों के लिए स्पेशल था ये वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।